जिंदगी में अगर आप लोग कभी बाइक लो ना तो यहाँ आना जरूरी है। बहुत सारी गायें, बहुत सारी बकरियां हैं यहाँ पे। हट जाओ मैडम, चलो बाय। रुक जाते हैं। ओह शिट, हम लोगों ने एक पाकिस्तान का टैंक देखा था बिल्कुल बीच में रखा हुआ। That looks. Hi, good morning, lovely people. I hope you and your family are doing well. My name is Rahil Zafar, and I welcome you all to my YouTube channel where we travel, learn, and grow together. So I'm sitting in the Mustache Hostel right now. कल रात का stay हम लोगों का यहीं पे ही था. The fort that you see behind me is the Jaisalmer Fort, and today we have planned that we're going to cover up Tanot Mata, and then we are also going to cover up Longewala. मेरे साथ मेरे भाईजान भी हैं. This was all of a sudden everything that happened. He was planning to come to Delhi, but then I told him that I'm going to Jaisalmer. So आप अपना bag bag pack करके सीधा जैसलमेर मिलो मुझे, और वो वहाँ पे सीधा पहुँच गए. To get live updates about my travel and everything that I do while traveling, do follow me on Instagram. चलो, see you guys in some time. Bye bye. Okay, so भाई जन का कॉल आया अभी. He said के चाय रेडी हो चुके हैं. So I'm going to go have tea and then we are going to leave for Tanot Mata temple. So let me introduce you to my cousin. That's my bro, Danish. चाय वगैरह खत्म करने के बाद we are directly going to leave for this place and I'm going to see you in some time. ठीक है, चलो bye. चलो guys, we are leaving for Tanot Mata temple now. So this is the entrance to the Jaisalmer Fort. गवर्नमेंट ऑथराइज फार्म शॉप है, तो वी कैन सी वही और. चलो मार्केट के अंदर से हमें जाना है अंदर, फिर हम लोग निकलेंगे सीधा मेन रोड पे. वाओ गाइस, लुक एट दिस, इतने सारे विंडमिल्स, कितने प्यारे लग रहे हैं ना यार. सच अ ब्यूटीफुल व्यू, नो कितना सही लग रहा है. चलो आप लोग व्यू का मजा लीजिए. सो थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हुई थी, हम लोगों को बारिश नहीं मिली. बताओ जैसलमेर में ठंड के टाइम पे बारिश हो रही है. राजस्थान में हर जगह रोड आपको प्यारी मिलेगी, बाकी किसी जगह पे ख़राब वगैरह हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं कमेंट करके कि इस जगह राजस्थान में ख़राब रोड है. अदरवाइज़ मुझे तो प्यार हो गया यहाँ की रोडों से. यहाँ से 100 किलोमीटर्स है लोंगेवाला और तनोत माता मंदिर. रास्ते में कुछ वीडियोस बनाएंगे, रुकना होगा तो रुकेंगे, कहीं पे ब्रेक लेंगे. भाई जान हमारे साथ बैठे हुए हैं, पीछे उनकी हालत थोड़ी सी ख़राब हो चुकी है, ठंड लग रही है. आई आस्क्ड हिम टू ब्रिंग इनर एंड जैकेट एंड एवरीथिंग, वो तो पहन लिया था उन्होंने. अभी तो व्यूज़ तो अभी आपको आगे दिखेंगे, आप देखते जाओ बस, वीडियो पूरी देखना ठीक है. चलो छोटा सा विलेज था जो हमने क्रॉस किया है. सारे घर ऐसे ही बने हुए थे यहाँ पे, मिट्टी से शायद, या फिर वो जो गोल्डन पत्थर पड़ा हुआ है वहाँ पे, इनसे घर बने हुए हैं. बड़े सुंदर लग रहे थे. लोग कैसे रहते होंगे, बस कुदरत है यार. वाओ गाइस, कितनी दूर से आ रहे हैं आप लोग? जैसलमेर से शुरू किया आपने? कैसे चल रहा है सर? Nice. Good to see you guys. All the best. You going towards? We are going towards Tanot, Longewala, Bataru. Okay. उसके बाद आसू कार से उधर जाएंगे, फिर देखते हैं क्या पता. आप लोग हैं कहाँ से by the way? Wow man, that's quite some spirit. What's your name sir? Jagpreet. And what's your name sir? Nice to meet you guys. All the best. All the best. Guys, आप लोगों को बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, यहाँ पे ये बकरियाँ ये सब बहुत चलती रहती हैं. सो बहुत प्यार से निकालना, स्लो कर लेना बहुत ज़्यादा उसके बाद, क्योंकि पता नहीं रहता है कब एकदम से खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए. नाइस, कितना सेक्सी व्यू आ रहा है ना यार. विंड मिल, देन रेलवे ट्रैक, एंड देन रोड, एंड देन स्कारलेट, एंड देन मी. ऐसा लग रहा है कि हम लोग धुंध में जाएंगे और धुंध में ही वापस आ जाएंगे. I will not be able to see the sunset.
वरना कसम से बहुत प्यारा सनसेट नज़र आता हम लोगों को। लेट्स सी, अभी तो सिर्फ 2:30 बजे हैं, हाँ तो देखते हैं, क्या पता वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमें सनसेट देखने को मिल ही जाए, कुछ कह नहीं सकते। ठीक है तो पहले लौंगे वाला कर ले और फिर उसके बाद। ठीक है, थैंक यू भाई। चलो तो हम लोग पहले लौंगे वाला जा रहे हैं और फिर उसके बाद तनोत माता टेम्पल जाएंगे। अभी आगे भैया ने बताया कि आगे से बोर्ड दिख जाएगा लौंगे वाला का, सो इट्स बेटर वेन एवर यू आर ट्रैवलिंग, नो डू नॉट जस्ट डिपेंड ऑन गूगल मैप्स, लोकल से भी बात कर लेनी चाहिए बिकॉज लोकल्स कभी कभी आपको अच्छी सलाह दे देते हैं। सो लौंगे वाला इज 43 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। जिस स्पीड से चल रहे हैं मेरे ख्याल से हम लोग पहुँच जाएंगे आधे घंटे में, है ना। चलिए, यहाँ की रोड इतनी प्यारी है ना, बीच बीच में से ऐसे ऐसे जा रहे हैं यूँ करके तो अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है हम लोग जैसे अम्यूजमेंट पार्क में राइड्स नहीं होती हैं ऐसे करती करती जाती हैं, हमें वैसी वाली फीलिंग आ रही है अभी। चलो हम लोग रुके हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर ले। भाई जान की थोड़ी हालत टाइट हो गई है अभी। देखो कितना अच्छा व्यू है यार, यहाँ पे ये नहर बनी हुई है, कैसा लगा भाई? टोपी पहन लेना आप। चलो हम लोग 2-3 पिक्चर्स वगैरह क्लिक करवा लेते हैं तब तक। दूर दूर तक सिर्फ रोड नजर आ रही है, इस तरफ रेगिस्तान इस तरफ रेगिस्तान। ट्रैवलिंग करने का मजा ही कुछ और है बाइक पे यार। ये देखो रेत के टीले, ओहो हो, मन कर रहा है बाइक चढ़ा दूं लेकिन बाइक नहीं चढ़ा पाऊंगा मैं इसके ऊपर। एंड आई थिंक हम लोगों को धूप नज़र आ जाएगी, सूरज नज़र आ चुका है, थोड़ी अब गर्मी सी महसूस हो रही है, हल्की सी, ज़्यादा नहीं कहूँगा थोड़ी सी। चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। वो टैंक जा रहा, नाइस। गाइस जिंदगी में अगर आप लोग कभी बाइक लो ना तो यहाँ आना जरूरी है, इतनी प्यारी रोड है ना, बस मन कर रहा है कि आप चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, बाइक चलाए जाओ चलाए जाओ। इतने प्यारे व्यूज हैं माशाल्लाह, मजे आ गए यार, मजे आ गए। तो अब हम पहुंचने वाले हैं लौंगे वाला, 20 किलोमीटर दूर है, सो 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। आई होप मेरी वीडियोस देख के आपका मन करे कि आप भी यहाँ पे आए, किसी तरह मैं आप लोगों को इंस्पायर कर सकूँ कि आप लोग यहाँ पे आए, खुद एक्सपीरियंस करिए ये अपने लिए। अच्छा है आप लोग मेरी वीडियोस देखते हैं लेकिन एक बार आना तो बनता है बॉस, ज़िंदगी में ट्रैवल नहीं किया तो फिर क्या किया। चलो मिलते हैं आप लोगों से लौंगे वाला में। कैसे कटा हुआ है, किसी ने काटा है नीचे से, ऐसे बहुत ही प्यारा लग रहा था। हट जाओ मैडम, चलो बाय। इन सब चीज़ों को कह रहा था मैं, बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहीं से भी निकल के आ जाते हैं एकदम से। ये देखो आई कैन सी सो मच रेत के टीले, सो मेनी रेत के टीले, वाओ। सो लौंगे वाला से पहले एक छोटा सा गांव पड़ता है गमने वाला, आई डोंट नो इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्टली। लौंगे वाला इज 11 किलोमीटर्स नाउ, हाँ। सो आई थिंक ये देखो बहुत सारी भेड़ बकरियाँ, यही चीज़ें हैं यहाँ पे, इन्हीं को काट पीट के खा जाते होंगे लोग, और क्या है यहाँ पे, चिकन वगैरह तो नहीं मिलता होगा। मजाक कर रहा हूँ गाइस। तो बेसिकली यहाँ के लोग कैटल्स वगैरह अपने पास इसलिए रखते हैं बिकॉज इन्हीं से ही मिल्क मिलता है इनको, मिल्क का और कोई सोर्स नहीं है यहाँ पे, कोई डेयरी वगैरह तो मुझे नज़र नहीं आ रही है कि यहाँ पे इतनी आसानी से पहुँच जाएँ। सो लोकल्स व्हाट दे डू इज बकरी का दूध के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो गाइस हम लोग टॉरी को यहाँ पे चलाने वाले हैं, लेट्स गो लेट्स गो, मुझे बहुत मजे आने वाले हैं। रोड इतनी प्यारी है ना, ओ माय गॉड आई जस्ट लव इट, मुझे पुश भी नहीं करना पड़ रहा है, मैं सिर्फ चला रहा हूँ, चलते चली जा रही है, अपने आप चलती चली जा रही है, वाह। भाईजान बाइक चला रहे हैं, यो मुझे बस डर है कि मैं गिर नहीं जाऊं क्योंकि थोड़ा सा बैलेंस करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पे, बट यार मजे तो इसी में ही है भाई। ओ खाली रोड, चलते चले जाओ, बस चलते चले जाओ, रुक जाते हैं। It was at this moment that he knew. Oh shit. Oh shit.
गिर ही गया मैं। कोई बात नहीं, चलो थोड़ा बहुत तो लगती रहती है। गिरते हुए बनाई, चलो कोई नहीं, शुक्र है ज़्यादा चोट नहीं लगी है, थोड़े से बस हाथ छिले हैं। लेकिन भाई भाई बहुत गंदा गिरेंगे, मत करिए अभी आप। चलो लौंगे वाला चलते हैं, ये थोड़े से जूते यहाँ से कट गए, वो तो अच्छा हो मैं आगे के बल ऐसे गिरा ना। चलिए कोई नहीं, इतनी चोट तो लगती रहनी चाहिए यार। साहिबाबाद में नहीं गिरा, जैसलमेर में आके गिरा हूँ। बहुत सारी गायें, बहुत सारी बकरियाँ हैं यहाँ पे। धीरे धीरे निकलते हैं, लौंगे वाला 3 किलोमीटर दूर है बस। मज़ा आ गया थोड़ा गिर के, में वहाँ नहीं गिरा, यहाँ पे एकदम से गिर गया। अरे 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 अरे, यही तो होता है, रुकती नहीं है, घुसती चली जाएंगी, घुसती चली जाएंगी। ओ माई गॉड, आई कैन सी सो मैनी कार्स। सो दिस इज लौंगे वाला माई फ्रेंड्स। वाओ, और कितनी ज्यादा भीड़ है यहाँ पे यार। ऑलराइट, सो हम लोग पहुंच चुके हैं लौंगे वाला, एंड हाँ थोड़ी बहुत चोट लग गई थी अभी आप लोगों ने देखा होगा। बट हाँ, इतनी सारी चीज़ें चलती रहती हैं। सो थोड़ी सी भूख लग रही थी, वी हैव स्टॉप्ड एट दिस लौंगे वाला कैफे एंड वी हैव ऑर्डर्ड मैगी फॉर आवरसेल्व्स। सो वी आर हैविंग मैगी गरम गरम, बहुत ही अच्छी लग रही है। भाईजान ऑलरेडी खाना शुरू कर चुके हैं। सो डिलीशियस, और उसके साथ मॉन्स्टर एक एनर्जी ड्रिंक। ठीक है गाइस, तो हम थोड़ी देर में आप लोगों को ये पूरे प्लेस का एक वॉक अराउंड देते हैं, बताते क्या क्या चीज़ें यहाँ पे। व्हेन आई एक्चुअली एंटर्ड दिस प्लेस, तो हम लोगों ने एक पाकिस्तान का टैंक देखा था बिल्कुल बीच में रखा हुआ। दैट लुक्ड सो अमेजिंग। देयर इज अ लॉट ऑफ क्राउड ओवर हियर। 25 दिसंबर की छुट्टी थी एंड देन दिस होल वीकेंड, दिस होल वीक इज गोइंग टू बी ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल। सो आई थिंक इसी वजह से इतना ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। वी आर ऑल्सो गोइंग टू गो टू तनोत माता टेम्पल, उसका भी आप लोगों को पूरा एक ब्लॉग में एक पार्ट दिख जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग मैगी खत्म करते हैं, फिर उसके बाद दिखाते हैं आपको ये सारी चीजें। ठीक है, सी यू गाइस इन सम टाइम, बाय बाय। ऑलराइट गाइस, सो यू सी ऑल दोज प्लेन्स एंड टैंक्स केप्ट ओवर देयर। सो लौंगेवाला में जब अटैक हुआ था 1971 में, तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कैप्चर हुई थी। पाकिस्तान के कुछ टैंक्स यहाँ पे कैप्चर हुए थे एंड हमारे इंडिया के बहुत सारे सोल्जर्स भी शहीद हुए थे यहाँ पे। सो उनके मेमोरी में ये सारी चीज़ें लगी हुई हैं, ये सारी चीज़ें इन्होंने रिस्टोर करके रखी हुई हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन दीज वॉल्स यू सी ओवर हियर, तो जब आप आएंगे ये ज़रूर देखिएगा यहाँ पे। सो दिस इज़ वन प्लेस वेयर दे हैव केप्ट सम टैंक्स एंड प्लेन्स, एंड देयर इज़ अनदर प्लेस ओवर देयर यू सी, वहाँ पे भी टैंक्स वगैरह रखे हुए हैं। सो विल गो देयर राइट नाउ, थोड़ा वो भी एक जगह एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, एंड फिर यहाँ से हम लोग जाएंगे तनोत माता टेम्पल। सी यू गाइस इन सम टाइम, बाय बाय। सो दिस इज़ दैट टैंक जो पाकिस्तान का है और हम लोगों ने कैप्चर किया हुआ है यहाँ पे। इट गोज़ बाय द नेम टैंक T-59। सो ये पूरा लौंगे वाला युद्ध के बारे में इन्होंने डिस्क्राइब किया हुआ है, 1971 में हुआ था। सो वी हैव ऑल्सो गॉट अ म्यूजियम ओवर हियर एंड देयर इज नो एंट्री फीस रिक्वायर्ड, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। सो लेट्स गो इनसाइड, चेक आउट व्हाट ऑल थिंग्स डू वी हैव। इन्होंने पूरा रेप्लिकेट किया हुआ है। चलो गाइस, वी आर लीविंग फॉर तनोत माता टेम्पल नाउ। बाय एवरीवन, बाय।
अब यहाँ से तनोत माता टेम्पल बचा है 20-22 किलोमीटर, हाँ 22 किलोमीटर उधर लिखा हुआ था। और दूर दूर तक हमें कोई नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ हम ही हम चलते चले जा रहे हैं। देखो पीछे भी कोई नज़र नहीं आ रहा है, हम ही हम चल रहे हैं सिर्फ। वाओ, पुराने पुराने घर बने हुए। एक गाड़ी नज़र आई, एक गाड़ी नज़र आई, फाइनली इतनी देर बाद एक गाड़ी नज़र आई। ओके सो वी आर अबाउट टू रीच 0.5 किलोमीटर्स। चलो टाइम से पहले पहुंच गए, लेट नहीं हुए ज़्यादा। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं यहाँ पे तो। अच्छा ओके, देयर क्वाइट अ लॉट ऑफ पीपल। ओके सो दिस इज दैट मंदिर। सो यहाँ पे लास्ट आरती शुरू हो चुकी है, दिखाता हूँ। सो फाइनली हम लोग अब यहाँ से वापस जैसलमेर की तरफ निकलेंगे। पीछे जो आप आवाज़ सुन रहे हैं, ये पीछे आरती हो रही है एंड दिस इज़ द लास्ट आरती। सो वी वर फॉर्चुनेट इनफ कि हम लोगों को ये देखने को मिल गया। यहाँ से थोड़ी दूर एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे बॉर्डर मूवी की शूटिंग हुई थी। अनफॉर्चुनेटली हम लोग वहाँ पे नहीं जा पाएंगे, बिकॉज वहाँ पे जाने के लिए हमें 4 बजे से पहले पहले पहुँचना चाहिए था। गोइंग टू कम सम अदर डे, बाद में कभी 2-3 साल बाद आएंगे फिर से देखने के लिए। बट कोई नहीं, अभी हम लोग चलते हैं वापस जैसलमेर नाउ। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द होल ब्लॉग, एंजॉय द राइड, बाय बाय। चले भाईजान, लेट्स गो। चलो ऑल राइट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, करिए भाई स्टार्ट। वो डाल लेता क्या, जियो काम करता है कई जगह, जियो काम कर लेता है। कैसा लग रहा है भाईजान आपको रात में चलाते वक्त? मैं फ्लैश लाइट जला लेता हूँ। हाँ अब मज़ा आ रहे होंगे हम लोग। तो रोड बिल्कुल ऐसी है कि हम लोगों को कुछ दिख ही नहीं रहा है, मतलब कोई और ट्रैफिक, कोई और गाड़ी जाते हुए नज़र नहीं आ रही, सिर्फ हम ही हम चल रहे हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में। ओके भाई तुम चलाओ, तुम चलाओ। मैं चलाओ? आप सही चला रहे हैं बिल्कुल। नहीं भाई मुझे पकड़ गई है। 50-55 सही चल रहे हैं, मैं भगाऊंगा लेकिन ऑफ कर देना कैमरा। टाइम बाद एक गाड़ी निकली है, काफ़ी टाइम बाद। अच्छा लगता है ना जब सुनसान रोड पे एकदम से कोई गाड़ी नज़र आए तो। रोड ख़राब मिली है यहाँ पे, यहाँ कुछ हो गया। हाँ जैसलमेर 70 किलोमीटर है, अभी थोड़ा आगे चल के ना रुक जाते हैं, 20 किलोमीटर के बाद रुकते हैं, ठीक है? हाँ ऑलराइट, सो आई थिंक वी हैव रीच्ड रामगढ़ नाउ। हम लोग कहीं रुक के चाय वगैरह पियेंगे अब, यहाँ ही पे रख के कुछ खा पी ले। चलो वी हैव टेकन अ ब्रेक, यहाँ रुके हैं थोड़ी देर के लिए, कुछ खाएंगे पियेंगे और फिर उसके बाद हम लोग सीधा जैसलमेर। आई थिंक यहाँ पे बारिश हुई है थोड़ी देर पहले, देख लो गाड़ियाँ पूरी गीली हुई पड़ी हैं, बारिश हुई है फॉर श्योर। चलो अल्लाह का शुक्र है हमें नहीं मिली बारिश, वरना दिक्कत हो जाती। We have ordered dinner for ourselves. बाकी राइड तो आपने देख ली, खतरनाक सी राइड थी लेकिन मज़े आए। ठंड हो गई है बहुत ज़्यादा। कैसा चल रहा है भाई आपका एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत हार्ड जा रहा है। बहुत हार्ड जा रहा है। So nice but बहुत हार्ड। ये रहा हमारा हांडी पनीर और तंदूरी रोटी। भैया ने बोला थाली साफ कर लेना, भाई की भी थाली साफ कर देते। बारिश की वजह से ज़्यादा लग गई। बारिश हुई है ना, बारिश की वजह से अभी तक क्या सूखी सूखी लग रही थी। मैं इसलिए तो बोला था इनर वगैरह सब अब काम कर रहा है भाई इनर। चलो गाइस हम लोग अब पैक वैक हो चुके हैं, जैकेट वगैरह पहन लिए। वी आर लीविंग दिस प्लेस रामगढ़ नाउ। अब यहाँ से 65-70 किलोमीटर्स जैसलमेर है, अब सीधा वहाँ पर हॉस्टल में मिलते हैं आप लोगों से। ओके चलो सी यू, बाय बाय। हॉस्टल, चाय पीनी ज़रूरी थी बिकॉज बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी हम लोगों को। हाँ चाय में तो मज़े आ गए, बहुत बढ़िया चाय। आई होप आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, अगर अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग हमेशा से करते आए हैं। आई वांट टू टेक यू लीव नाउ एंड आई एम गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट ब्लॉग नाउ। ओके चलिए, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड कीप ट्रैवलिंग, बाय बाय।
So I'm sitting in Mustache Hostel right now in Jaisalmer and we are leaving for this desert safari. हम लोग जाने वाले हैं यहाँ से सीधा Sam Sand Dunes and वहाँ पे कैंपिंग करेंगे हम लोग.